ख्वातीनो हजरात, वेलकम टू पाकिस्तान नंबर वन फुटबॉल शो। दिस इज प्रेसिंग मैटर्स ब्रॉट यू बाय ऑन द माइक। अगर आप पहली दफ़ा ऑन द माइक को सुन रहे हैं, प्रेसिंग मैटर्स को सुन रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेट मी टेल यू व्हाई यू शुड सब्सक्राइब। हम पाकिस्तानी फुटबॉल को पिछले 3 साल से कवर कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल फुटबॉल को भी कवर करते हैं। वी आर ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकडाउंस, एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, स्पेशली इन पाकिस्तानी फुटबॉल। आपने देखा, हमने नेपाल वाले मैच की हाइलाइट्स भी लगाई, हमने उसका प्रीव्यू भी किया था, और आज हम उसका रिव्यू करने लगे हैं जो मैच हुआ है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एंड डू सपोर्ट द चैनल इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इट्स एज लो एज 200 रुपीज़। यू कैन सपोर्ट द चैनल एंड हेल्प अस ब्रिंग टू यू व्हाट वी ब्रिंग टू यू। आज हमारे साथ फिर से वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन द कंट्री, शेख हमदान ऑफ कराची यूनाइटेड। हमदान, पाकिस्तान के मैच के बारे में हम पहली दफ़ा बात करेंगे। टैक्टिक्स, कॉन्टेक्स्ट सब अपनी जगह। सबसे पहला सवाल तो ये है कि फील कैसा कर रहे हो यार, हाउ आर यू फीलिंग कि अपनी टीम जो है वो खेली है इतनी देर बाद? अनबिलीवेबल फीलिंग। मतलब मुझे तो सबसे पहले यही था कि यार पहली बार ऐसा मौका मिलेगा कि हम पूरे, मतलब पिछले 5-6 साल या 3-4 साल तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि किस तरह वो इंग्लैंड के वर्ल्ड कप का स्क्वाड और कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। वो जो एक, मतलब मैं अगर अपने कोच की टोपी उतार दूं और मैं बोलूं प्योरली फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो फर्स्ट टाइम जो है ना ये मौका मिल रहा है कि हम लोग जो है ना इस तरह से डिस्कस कर सकें। सो एक बहुत ही जबरदस्त फीलिंग है, वेरी 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 I'm very happy from inside that we got this opportunity, we got Pakistan to, we got the opportunity to watch them live and all of those things. So, बहुत खुश हूँ, very happy. एक 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 sense of मतलब ठीक है, United fan हो, Liverpool fan हो, आप देखते रहते हो, आपके team के साथ लगा हुआ है, but obviously एक अलग level, एक अलग type का वो होता है जब आपकी country या आपकी इस तरह की association हो वो खेल रही हो। ऐसे बिल्कुल, मैं इतना बड़ा क्रिकेट फैन नहीं हूँ, मतलब मैं टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ, मैं वैसे इतना बड़ा क्रिकेट फैन नहीं हूँ लाइक क्रेजी, बट जब पाकिस्तान का मैच होता है तो एक अलग फीलिंग होती है, राइट? तो पाकिस्तान का फुटबॉल मैच तो फिर बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल एक फीलिंग होती है। आप अपने नेशनल एंथम को वहाँ पे सुन रहे हो, फिर वो उस एटमोसफेयर में खेल रहे हैं, तो इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। एंड फॉर अ होल जनरेशन, एंड आई थिंक फॉर अ होल जनरेशन, ये शायद पहला प्रॉपर मैच था जो उन्होंने पाकिस्तानी फुटबॉल टीम को देखा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता और लोग इस चीज में आ रहे हैं। उसके अलावा आई थिंक ऑल्दो हम मैच हार गए, डू यू वांट टू टेल पीपल के व्हाई यू और व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रिजल्ट, द परफॉर्मेंस, और जनरली व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हाउ द मैच जो है वो जिस तरह मैच प्ले आउट किया? यार देखो, लेट्स स्टार्ट विद ऑल द पॉजिटिव्स, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग लाइनअप एंड जनरली जो भी स्क्वाड सेलेक्ट किया था। दिस वॉज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? और जिस तरह के जो आपने एज ब्रैकेट के भी जो आपने प्लेयर्स लिए थे, वो इस बात की तरफ, इस तरफ निशान उठा रहे थे कि ये एक नया स्क्वाड का साइकिल शुरू हो रहा है। आपके जो पुराने प्लेयर्स थे जैसे सादुल्ला, सद्दाम हुसैन, आदिल बितल और वो जितने और सारे प्लेयर हैं, हमने वो एक जनरेशन को मेरे नजर में ये स्क्वाड सेलेक्ट करके एक तरफ से हम ये बताना चाह रहे थे कि ये हमारी दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, और 150% दिस वाज द राइट अप्रोच टेकन बाय शहजाद अनवर। इफ आई वाज इन हिज प्लेस आई वुड हैव डन एग्जैक्टली द सेम थिंग। 8 debutants प्लेइंग, यू गॉट वलीद प्लेइंग, अनबिलीवेबल प्लेयर, आई थिंक ही इज द बेस्ट विंगर इन पाकिस्तान राइट नाउ। ये और मैं अभी इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहा है, पहले पीपीएल में भी इसी तरह की कह रहे थे कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। हां, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और वो उस खास तौर से उसके जिस तरह से जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह वो टच लाइन से बॉल लेके ही कैन टेक डिफेंडर्स ऑन, पाकिस्तान में कोई और नहीं है इनसाइड आउटसाइड दोनों। He can play as an inside forward, as an outside forward. He can also take players inside and outside. दोनों तरफ उसकी महारत है। बिल्कुल, वो नेपाल वाले मैच में एक टाइम आया था जब वो उसे इनसाइड, वो उसे आउटसाइड दिखा रहे थे। He wasn't afraid to go on the outside. था एक दफा almost वो टच लाइन से गोल की तरफ ले गया था और almost फिर एंड पे कॉर्नर हो गया था। बट क्या फिर वलीद के पास, फिर आपके पास शाइक दोस्त है,
जो राइट साइड पे खेल रहे थे, अगर अगर आपको याद हो जब हम वापडा वर्सेस आर्मी देख रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, और जब उन्होंने अपने दो तीन प्लेयर को सब्सटीट्यूट किया और तनवीर साहब ने जो है ना ये कुछ नए प्लेयर देखे थे, तो मैं और तुम कुर्सी से उठ गए थे और हम कह रहे थे यार ये कौन है, ये कहाँ थे पहले 6 गेम्स के अंदर। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू सी शाइक दोस प्ले द वे ही प्लेड। आई फील इज एन अनबिलीवेबल प्लेयर, अनबिलीवेबल प्लेयर। देन आपके मिड देन इन मिडफील्ड यू हैड जैन एंड आलमगीर गाजी। आई थिंक ये आपके दो बेस्ट मिडफील्डर हैं। टेक्निकली पाकिस्तान में इनसे बेहतर दो प्लेयर हो नहीं सकते। माय प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम इज द रॉन्ग वर्ड, वाज आई डोंट आई आई डिड नॉट फील आवर बैक फोर वर एज वेल इक्विप्ड टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक। और वो जो 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 जिस तरह से टेक्निकल बेस आपके फॉरवर्ड लाइनअप में थी और आपकी मिडफील्ड में थी, वो आई डू नॉट थिंक इट वाज मैचिंग विद द डिफेंस विद द बैक फोर। ये एक स्लाइट प्रॉब्लम थी, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपके पास 8 प्लेयर पहली बार अपना डेब्यू कर रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए। उन 8 प्लेयरों में से अगर आप एवरेज एजेस भी देखो तो मेरे ख्याल से एवरेज एज 21-22 थी। शाइक दोस्त इज यंग, वलीद इज यंग, यू गॉट मामून अब्दुल्ला इज शाह यंग, इज यंग, मामून इज यंग, देयर ऑल यंग प्लेयर्स विदाउट विदाउट एनी ग्रेट एक्सपीरियंस। यस देयर वाज हसन बशीर हुज प्लेड एंड हुज बीन इन एंड अराउंड द सीन फॉर सो लॉन्ग, लेकिन उसके अलावा इतना नहीं था। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे लोग जो है वो इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी इन पोजेशन को एक अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल बार्सिलोना की तरह नहीं खेल रही थी। आई एम सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं सकता फॉर फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर सो मेनी डिफरेंट रीजंस। सबसे पहला रीजन तो ये है कि सबसे पहला रीजन, लेट्स इमेजिन कि आपके पास सारे प्लेयर टेक्निकली अच्छे हों भी, पहला मैच अगर आप 3 साल बाद इंटरनेशनल स्टेज पे खेल रहे हो तो यू एनीवेज हैव सो मच प्रेशर ऑन यू। आपके ऊपर प्रेशर होता है, इतना आसान नहीं होता खेलना। नंबर वन, सबसे पहला और बेसिक बेसिक चीज है। दूसरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि इस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल को खेलने के लिए जो आपके प्लेयर्स आप सेलेक्ट कर रहे होते हो, वो सारे प्लेयर्स को ये वाला ब्रांड ऑफ फुटबॉल एक बचपन से वो भी खेलते आ रहे हो, तो जिसपे उनको एक कंफर्ट लेवल हासिल हो चुका हो, जो कि शहजाद अनवर ने एक्चुअली करने की कोशिश भी की है। अगर आप नोट करें वलीद को मामून है उसके अंदर, जैनुल आबदीन जो कराची का है, जैनुल आबदीन की जो लोकल टीम है कुरंगी बलोच, दे प्ले वेरी गुड फुटबॉल। अगर आप आलमगीर गाजी को देखें, सो देर हैज बिन एन अप्रोच इन ट्राइंग टू चेंज द कल्चर ऑफ फुटबॉल दैट पाकिस्तान वांट टू प्ले। इसके अलावा तीसरी और एक और वहीद इम्पोर्टेंट भी है, चीज वहीद वो का ये है केयू कि बैकग्राउंड है, केयू ट्राइज टू प्ले ऑन द वहीद का ग्राउंड। क्या, बिल्कुल सुहेल है इसके अंदर जो लेफ्ट बैक, ही वाजंट स्टार्टिंग, ही प्लेज इन कराची, ही नोज हाउ टू प्ले दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल। ही वाज प्लेइंग फॉर सिविल एविएशन जो कि रिलेटिव टर्म्स के अंदर पाकिस्तान फुटबॉल में अच्छा फुटबॉल खेलती थी, कोशिश करती थी सही तरह से खेले, प्ले थ्रू द थर्ड्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो वो उन्होंने ट्राई किए, बट 1 मंथ के ट्रेनिंग कैंप के थ्रू आप इस तरह की फुटबॉल नहीं खेल सकते, आपको साल 2 साल लग जाते हैं और अगर इसके आप अंदर एक जीरो और से स्टार्ट कर कॉन्टेक्स्ट रहे भी हो। है, एक और कॉन्टेक्स्ट भी है। इस सब स्टाइलिस्टिकली आप छोड़ दो, अगर आप वैसी बात करो रस्टीनेस की, रिदम की, आपके टॉप टॉप प्लेयर्स को रिदम चाहिए होती है। आप मान में 1 मंथ का कैंप है, उससे पहले आपके एक पास नहीं, कोई, कैंप के आपके अलावा पास कुछ है ही साल, नहीं। साल आपने एक साल फुटबॉल, से कुछ नहीं है। एक साल से कुछ भी नहीं है, उससे पहले, एक साल से पहले भी स्पोरैडिक टूर्नामेंट्स, एनसीसी हो गया एक, उसके बाद गैप आ गई, उसके बाद एक ये हो गया, उसके बाद वो हो गया, कुछ टीम, कुछ एब्सोल्युटली प्लेयर्स ने 3 मैच खेले सिर्फ एनसीसी में, उसके बाद वो फारिग हो गए, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद वो हो गया। देर इज नो फुटबॉल, आपका डोमेस्टिक मैं इस पे स्ट्रक्चर आपको नॉन एग्जिस्टेंट है। मैं आपको इस पे एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप वर्ल्ड कप के टीम्स को चेक देखो ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सारे फैंस होते हैं, वो कुछ मौसमी जो फैंस होते हैं वो वर्ल्ड कप देखते हैं, मैं उनको कहूंगा आप वर्ल्ड कप देखो और आप उसमें से ना 32 टीमों में से गिन लोगे उंगलियों पे कितनी टीम है जो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल प्रॉपरली खेलती है, प्रॉपरली, क्योंकि उनके पास भी उतने टेक्निकल प्लेयर्स नहीं होते हैं। दे और लेट्स यू टेक आउट स्पेन,
स्पेन के आधे स्क्वाड 5 से 4 प्लेयर बार्सिलोना में एक साथ खेल रहे होते हैं. यू लुक एट जर्मनी, जर्मनीज होल मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड लाइन दे प्ले टुगेदर इन बायर्न म्यूनिख. एंड ऑल्सो जोस्वाकिमिक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज के नॉट ओनली आर दे प्लेइंग टुगेदर और उनकी रिदम होती है, बट ऑल्सो टू योर अर्लियर पॉइंट कि ये वो प्लेयर हैं स्पेन के, जर्मनी के, बेल्जियम के, फ्रांस के, जो बचपन से एक जो है एक सेम समझ लो करिकुलम, अगर दे फॉर लैक ऑफ बेटर वे, एक सेम करिकुलम के थ्रू आ रहे हैं, स्पेशली स्पेन वाले. दैट्स व्हाई स्पेन प्ले दैट वे. वो सारे बार्सा रियाल वाले एक ही चीज कर रहे होते हैं. बार्सा रियाल के अलावा जो उनके जो प्लेयर्स भी हैं वो यही कर रहे हैं. मैं आपको एक और कॉन्टेक्स्ट दूंगा जिससे ये एटलीस्ट हम इसको तो दबा देंगे बात को, एंड देन वी विल टेक फ्रॉम दिस फॉरवर्ड के व्हाट इज द फ्यूचर. 2002 या 2006, आई डो नॉट नो कौन सा सही साल है वो, उसके बाद इंग्लैंड ने डिसाइड किया था कि यार अब बस बहुत हो गया है, अब हम मजीद इस तरह की फुटबॉल नहीं खेलना चाहते जो वो वर्ल्ड कप में खेलते थे. तो जो हम जिसको हम गोल्डन जनरेशन कहते थे ना, इंग्लैंड कहती थी कि यार ये जनरेशन ठीक है, अच्छी तो है, लेकिन कितने प्लेयर्स थे जो 1 vs. 1 में अच्छे थे उस टीम के अंदर. बेकहम, नो ही वाज़न्ट गुड इन, जो कोल था अच्छा, जो हाँ वो खेलता भी नहीं था इतने सारे गेम्स. सो उन्होंने कहा कि यार अब हमें चेंज करना है, और उन्होंने कहा हमें चेंज कहाँ करना है, हम अपना एक नया करिकुलम लेके आएंगे और हम अकेडमीज को बोलेंगे दी एफ ए पाथवे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आज से 10-12 साल बाद जो जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आएगी ना, वो प्लेयर्स दे वुड बी एक्सट्रीमली टेक्निकली गुड, दे वुड बी गुड इन 1v1 सिचुएशंस, देयर बॉल मैनिपुलेशन स्किल्स वुड बी गुड, और हम उनसे नया वे ऑफ फुटबॉल खेलना शुरू करेंगे जो आप आज उसका जेडन सैंचो करो. आपके मिडफील्डर्स भी, आपके मिडफील्डर्स भी, लुक एट द मिडफील्डर्स. मेसन माउंट इज गुड एट बॉल मैनिपुलेशन, जूड बेलिंगम इज गुड एट बॉल मैनिपुलेशन, फिल फोडन, जूड बेलिंगम, डेक्लिन राइस फॉर दैट मैटर, कैल्विन फिलिप्स, देयर सच गुड टेक्निकल प्लेयर्स हु गॉट वेरी गुड बॉल मैनिपुलेशन, हु हैव दैट physical element to that. You've got Raheem Sterling who can. आपके right back देखो यार, आपने look at your full backs, James Trent, James, Jack Grealish. तो उन्होंने same goes for Belgium. उन्होंने जब Belgium और Netherlands ने, if I'm not wrong, they hosted a World Cup together and they faced the humiliation of going out in the early stages. और उन्होंने कहा कि यार हमें अब ये आइंदा ऐसी humiliation face ही नहीं करनी है. हम जो है ना वो अपना youth system change करेंगे. Now let's take this conversation forward. ठीक है, आपने ये तो खेल लिया, और अब हम अगर हम ये, दिस वाज अ वेरी गुड स्टार्ट टू नॉट यस फॉर श्योर, बट वी कैन नॉट स्टे एंड स्टिक विद द सेम वे वी प्लेड इन दैट. इस पे ऊपर बिल्ड करना आपको फ्यूचर के लिए, ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये गेम अच्छी थी, बट अगर लेट्स सपोज 5 साल बाद भी आप ये गेम खेल रहे हो तो फिर आप बोलोगे यार इसमें मसला है. अगर आपने आज से 6 साल बाद भी इस गेम को हमने देखा और हमने कहा कि 6 साल बाद भी आपने 5 गेम उठाए, 6 साल बाद जो उस साल में खेला है, लेट्स से 2028 के अंदर आपने 5 गेम्स उठाए, क्योंकि वन और डे यू माइट हैव अ बैड डे एंड आप अच्छा नहीं खेल सकते, और आपने 5 गेम भी अगर उस वक्त भी ऐसे इसी तरह से खेले, देन यू वुड स्टार्ट टू थिंक अबाउट कि यार यू नो व्हाट, नीड टू चेंज द अप्रोच, से कि यार हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं. ये दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट इस्माइल. मैंने एक आध बार 3 साल पहले पाकिस्तान इंडिया का एक मैच देखा था, वो सैफ गेम में था, पता नहीं बारिश वारिश भी हो रही थी, इट वॉज अ हॉरेबल मैच ऑफ फुटबॉल, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, यू हैड ओल्ड प्लेयर्स प्लेइंग, देयर वाज नो यूथफुल एनर्जी इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट. नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड, और अब आपने ये तो कर लिया इस टीम के साथ, आप इनको साल भर कैंप के अंदर नहीं रख सकते, आप इनको साल भर कैंप में नहीं रख सकते. जब ये वापस अपने क्लब्स या डिपार्टमेंट्स जो भी स्ट्रक्चर है, आपका नेक्स्ट फोकस या साइमल्टेनियसली योर फोकस हैज टू गो ऑन प्रोवाइडिंग देम विद कंपटीशन. ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड देन मे बी वी कैन रैप इट अप और व्हाटएवर योर थॉट्स आर. सो लेट्स से शहजाद अनवर हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन ब्रिंगिंग देम टू अ गुड फिजिकल लेवल, ठीक है, इन अ मंथ टाइम. एक साल से आधे प्लेयरों ने कुछ नहीं किया हुआ, आप उनको फिजिकल लेवल पे ही ला सकते हो. सॉरी सॉरी, एक बस बात इधर करना चाहूंगा फिजिकल लेवल से, कि एक और कॉन्टेक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने खुद हमदान एक्सपीरियंस की थी, हाई अल्टीट्यूड. खटमंडू इज एट 1400 मीटर्स,
हाँ, इस्लामाबाद फॉर कॉन्टेक्स्ट, इस्लामाबाद का एल्टीट्यूड 550 मीटर है. हम फॉर पीपल हु डोंट नो क्वेटा का, आई एम नॉट श्योर, अभी मैं देख लेता हूँ क्वेटा एल्टीट्यूड, बट क्वेटा हम गए थे अपना टूर्नामेंट खेलने. इट्स एग्जैक्टली सिमिलर, 1680 है ये, 1400 है, 1680, सो इट्स अ हाई एल्टीट्यूड. क्वेटा जो है उससे ज्यादा है, क्वेटा खटमंडू से ज्यादा है. सो क्वेटा में वी वर स्ट्रगलिंग, तो हम वहां पे खेल नहीं पा रहे. तो अब ये देखो, प्लेयर्स एक तो खेले नहीं है और फिर 1400 पे खेल रहे हैं. मैं आप जो कॉल पे हैं, मैं जो जो ये शो को सुनेंगे, हमारे एक फॉरवर्ड है जिसने जिसका बीप टेस्ट लेवल इज 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेवल 17, ठीक है, विच इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. वो 10 मिनट बाद कह रहा था कि प्लीज मुझे सब्स्टिट्यूट कर दो, मुझे सांस नहीं आ रही, क्योंकि अक्लेमेटाइजेशन ही नहीं हुई हुई थी. So, ये सारे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आपको देखने हैं, उस सब के उसमें भी हमने कोप कर रहे थे. बट अब क्या है कि शहजाद अनवर एंड द स्टाफ हैव डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ गेटिंग देम टू दैट फिजिकल लेवल. अब क्या होगा, अब वो वापस जाएंगे कराची और अब 6 महीने कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, अब वो फिर बैठे रहेंगे यहाँ पे, और फिर 2 महीने बाद एकदम से आएगा कि फिर कैंप में आ जाओ, फिर आप कैंप में 1 महीना फिजिकल लेवल बिल्ड करोगे. तो अनफॉर्चुनेटली नेशनल टीम का सक्सेस भी टू एन एलिमेंट इज लिंक विद योर कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर. कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर कैनॉट बी क्या आओ चैलेंज कप का एफए कप की तरह नॉकआउट सिस्टम खेल लेते, वो कर लो, उससे भी कोई रिदम बिल्ड नहीं होगा, कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, कोई फिजिकल बिल्ड नहीं होगा, ये मैच शार्पनेस नहीं रहेगी. आई थिंक फॉर दिस पाकिस्तान टीम टू फर्दर सक्सीड एंड बिल्ड ऑन टू दैट ग्रेट स्टार्ट, यू नीड कॉम्पिटिशन बैक एट योर होम भाई, उसके अलावा नहीं चल सकेगा. आप इंग्लिश प्रीमियर लीग बिठा दो, एक साल बंद कर दो, और आप बोल दो कि यार खेलेंगे कैसे खेल सकते हैं, यू वुडंट सी दैट सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स अग्रीड 100%. मैं तो इससे एक स्टेप फर्दर जाऊंगा, मेरे ख्याल में आई डोंट नो हाउ, इनफैक्ट आई थिंक ये होगा नहीं, बट इफ यू वांट टू टेक दिस फर्दर, फर्स्टली गाइस, इफ यू वांट टू हेयर और आर थॉट्स के पाकिस्तानी फुटबॉल अभी तक डेवलप क्यों नहीं किया, जो लार्जर डिस्कशन है उसकी हमने डिटेल डिस्कशन की है. पार्ट वन उसका निकल चुका है, पार्ट टू विल बी आउट वेरी वेरी सून, वो भी निकलने लगा है, डू चेक दैट आउट. उसके अंदर बहुत हमने एक डिटेल में बात की है जनरली, बट इसके अंदर अगर हम बात करें सिर्फ नेशनल टीम के, तो आई थिंक वो ग्रास रूट्स और अभी सब कुछ को निकाल दो. एक और चीज़ जो बहुत हेल्प कर सकती है वो ये है कि कॉम्पिटिशन इज 100% नीडेड. उसके साथ शहजाद अनवर और हुएवर द टेक्निकल डायरेक्टर और PFF इज, दे मैंडेट द क्लब्स एंड द डिपार्टमेंट्स. आइडियली सिनारियो ना, आइडियल, अभी मैं ये नहीं बात कर रहा कितना प्रैक्टिकल है, कि आपने जैसे FA पाथवे था, वो कहें कि भाई आपने इस तरह का फुटबॉल खेलना है, आपने इस तरह की कोशिश करनी है, उसके अंदर फिर कोचिंग एजुकेशन और वो सारा आ जाता है. बट दिस इज द वे दैट यू एसेंशियली आइडियली आप कहो कि हम मेरे प्लेयर्स जो हैं वो जब अपनी क्लब ड्यूटी पे भी जाएं, जो क्योंकि नेशनल ड्यूटी, गाइज लिसन, नेशनल ड्यूटी दुनिया में बहुत कम होती है, ज़्यादातर क्लब्स के पास ही होते हैं. और इंग्लैंड की सक्सेस Not only is it down to the pathway that they introduced, but it's also down to, and I firmly believe this, the level of coaching in the Premier League. जो frankly जो level of coaching coaches Premier League में आ गए हैं, जब Jurgen Klopp से उठ के, Pep Guardiola से उठ के, इन सब से उठ के जब player आते हैं, Southgate को इतना क्या करने की ज़रूरत है, उनकी इतनी strong base बनी होती है कि he just needs to, और किसी भी नेशनल टीम के बंदे को उनको बस एक साथ सिस्टम, फाइंड द राइट सिस्टम बस, और खिला दो, उनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू इज, वेरी गुड पॉइंट दैट यू पॉइंटेड आउट, के प्रीमियर लीग के कोचिंग स्टैंडर्ड और हाउ दैट हेल्प्स द नेशनल टीम्स, इट रियली डज इट. और क्योंकि ये है ना कि जिस ब्रांड आप खेलना चाहते हो वो अपने क्लब में भी सिमिलर ब्रांड, और फिर वो भेजते हैं वापस, और वहां जाके वो जी हवाई, तो फिर आलमगीर के पास बॉल नहीं आएगी, जैन के पास बॉल नहीं आएगी, वलीद बेचारा ठोकरें खा रहा होगा, तो फिर आपके कोई रेपिटेशन, कोई एक्शन वो नहीं, फिर आप एकदम फिर रीसेट करोगे वापस. इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट फाइनल थॉट्स हमदान, अभी तो हमने बात की है जेनेरिक के आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिशन वगैरह चाहिए, स्पेसिफिक्स की अगर हम बात करके इसको खत्म करें, आई थिंक फ्रेंडली विंडो एक और मार्च में आ रही है, उसके बाद फीफा क्वालिफायर्स जो हैं अगले वर्ल्ड कप के वो आ रहे हैं, आई थिंक अक्टूबर नवंबर नेक्स्ट ईयर सम टाइम, एंड अभी शहजाद अनवर ऑल्सो सेड कि उसी की तरफ हम बिल्ड करें. तो स्पेसिफिकली एज अ कोच, एज समवन जो इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करता है और देखता है, व्हाट डू यू थिंक आर द नेक्स्ट स्टेप स्पेसिफिकली जो अभी टू बिल्ड ऑन? यार मैं इसी को अपने दिमाग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सवाल को मैं खुद फ्रेम कर लेता हूँ, और अगर तुम मेरे से पूछो कि
तुम क्या करते इस 1 साल के अंदर? मैं मतलब कंपटीशन वगैरह सब हटा दो, मेरा फोकस वुड समहाउ बी ऑन हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माय आउट ऑफ पोजेशन एंड अटैकिंग ट्रांजिशन स्टाइल, उसको मैं किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकता हूँ टू गेट रिजल्ट्स। दिस इज जस्ट मी एंड आई एम बाय नॉट बाय एनी मीन्स आई एम ट्राइंग टू टेल के व्हाट शहजाद अनवर हैज टू डू। दिस इज सिंपली जो मुझे पर्सनली अगर मैं होता वो, क्योंकि इन पोजेशन स्टाइल की हमने जिस तरह बात की उसको बिल्ड करना 1 साल भी कम है। 1 साल और में उसके लिए कितने आपको दिन, इर्द गिर्द कितने 100 चीजें साल, चाहिए। बहुत सारे चाहिए। आउट ऑफ पोजेशन, यू यू सॉ व्हाट यर्गन क्लॉप डिड। भाई प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा यर्गन क्लॉप ने जो किया वो हम कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू देयर इज अ पॉसिबल फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट दैट जर्मन स्कूल ऑफ फुटबॉल डिड विद, रेडबुल स्कूल ऑफ फुटबॉल डिड विद हैविंग अ वेरी लोअर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बट हाई अचीवमेंट, हाई परफॉर्मेंस बाय मैक्सिमाइजिंग द आउट ऑफ पोजेशन। किस तरह हम जब दूसरों को बॉल देके हमारे प्रेसिंग किस तरह से है और हम कितना जल्दी बॉल को दूसरे हाफ में जीत के, कैन वी हैव क्विक टर्नओवर्स एंड कैन वी हैव क्विक ट्रांजिशंस के जहाँ पे हम ऑपोजिशन गोल के करीब हों और वहां पे हम चांसेस क्रिएट करें, दैट इज पॉसिबल। हमने उसकी कुछ झलक देखी भी थी नेपाल के गेम के अंदर। देयर वर सर्टेन मोमेंट्स कि जहां पे हमने मिडिल फेस में बॉल जीती थी, मिडफील्ड थर्ड में, और हम बैम वी वर ऑन द काउंटर अटैक एंड दैट इज वेरी रियलिस्टिकली पॉसिबल। अगर आप बोलो कि हम खाली लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते, हमें शॉर्ट और लॉन्ग को एक साथ लेके चलना होगा। आपको 1 साल 2 साल के अंदर यस कुछ ना कुछ सक्सेस चाहिए टू बिल्ड ऑन टू दैट लॉन्ग टर्म, एंड इन माई व्यू दिस इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट के मैक्सिमाइजिंग आर आउट ऑफ पोजेशन एंड डिफेंसिव। और आप उसके लिए आप एक हाइब्रिड देख सकते हैं कि यार यस दीज प्लेयर्स हैव टू बी टेक्निकल एज वेल, बट कैन वी हैव फॉरवर्ड्स हु आर एक्सट्रीमली डायनामिक, हु आर क्विक, व्हेन वी कैन वी बिल्ड ऑन दैट फिजिकल बेस के टू प्ले दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, और फिर साथ साथ आप फिर डेवलप कर सकते हो दैट इन पोजेशन फिलोसफी दैट यू इवेंचुअली वॉन्ट टू, और वट एवर दैट इज, वट एवर दैट एंड गोल इज, क्विक रिजल्ट्स के लिए आई थिंक ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट। मैंने, मेरी नजर में सबसे बड़ा पॉजिटिव उनका आउट ऑफ पोजेशन प्ले था, एंड बाय द वे इट वॉज वेरी वेल रिहर्स्ड, जितना भी शॉर्ट टाइम था इट वॉज वेरी वेल रिहर्स्ड। इम्प्रूवमेंट्स, यस थाउजेंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, बट जो स्टार्ट था इट वॉज फैंटास्टिक। दे नीड टू बिल्ड ऑन टू दिस, मे बी गेट द लाइन्स अ लिटिल बिट हायर सो दैट आप उनके गोल के ज्यादा करीब हो, हमारे गोल से ज्यादा दूर हो, बट आई एम नॉट इंस्ट्रक्टिंग शहजाद अनवर, ही नोज मच बेटर देन मी। There you have it, ladies and gentlemen. This was the review of Pakistan versus Nepal. Pakistan men's national team 3.5 साल बाद खेली है. बस अल्लाह करे कि खेलती रहे, अल्लाह करे कि हम फुटबॉल की एक्चुअल बात करते रहे. बिकॉज ऑनेस्टली इट्स बिन अ प्लेजर प्रीव्यूइंग द गेम, रिव्यूइंग द गेम, वॉचिंग द गेम. आई अलॉन्ग विद हमदान वॉन्ट टू डू मोर ऑफ दिस. आई होप यू ऑल्सो वॉन्ट टू सी एंड डू मोर ऑफ दिस. Talk about Pakistani men's football team. This has been Pressing Matters. Ismail Farooq joined by Sheikh Hamdan. Till next time, take it easy.